दलित चेतना की सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर दलित आए हैं और उनका विरोध है SC ST एक्ट और इसके खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है। क्या पंजाब, क्या बिहार, क्या राजस्थान और क्या उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं आगरा, आगरा में तो बाकायदा रेल रोकी गई है और मुंबई के घाटकोपर से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जी हां, मुंबई के घाटकोपर में ABP न्यूज संवाददाता मृत्युंजय मौजूद हैं और वहां से हमें ये रिपोर्ट भेज रहे हैं, आइए देखते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कानून में बदलाव के विरोध में दलित संगठनों ने पूरे देश में बंद का आह्वान किया है। हालांकि इस बंद का असर मुंबई में देखने को नहीं मिल रहा है। हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर रमाबाई अम्बेडकर नगर इलाके में है। मुंबई के घाटकोपर रमाबाई अम्बेडकर नगर इलाके में काफी ज्यादा दलित आबादी है, बावजूद इसके यहाँ पर बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। रमाबाई अम्बेडकर नगर काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसी साल के शुरुआत में जब भीमा कोरेगांव हिंसा हुई थी, उसके बाद जब मुंबई बंद का आह्वान किया गया तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसी इलाके में पड़ा था। लेकिन आज जब दलित संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया है तो उसका कोई खास असर मुंबई में देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखें, यह ईस्टर्न हाईवे है जो कि मुंबई से लेकर नासिक की तरफ यह जाने वाला रास्ता है और आप देखें तो हाईवे पर सुचारू रूप से गाड़ियां जा रही हैं। आज सप्ताह के कामकाज का पहला दिन है। दक्षिण मुंबई की तरफ जाने वाले दिशा में आप देखें तो गाड़ियों की संख्या को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कोई खास कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। वहीं कल्याण की दिशा में जाने वाली आप गाड़ियों को देखें तो रफ्तार से चली जा रही हैं। लोग जो है वो अपने कामों पर निकल रहे हैं या आप बस स्टॉप पर देखें तो लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनें समय पर चल रही हैं, आवाजाही की कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि कुछ संगठन चैत्य भूमि में, जो कि मुंबई के दादर इलाके में आता है, वहां पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने सुनिश्चित किया हुआ है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। संवेदनशील जगहों पर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं, कोई अप्रिय घटना ना घटे यह मुंबई पुलिस ने सुनिश्चित किया हुआ है। लेकिन जो दलित संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया है उसका कोई असर मुंबई में देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज मुंबई। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ ABP न्यूज पर। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।